हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल अन्नपूर्णा किचन। आज हम बीट और कैबेज का पुलाव बनाएंगे। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बीट का जूस निकाल लिया है, दो बीट लिया था, इसका जूस निकाल लिया है। अब मैं गैस चालू करूंगी। यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले लिए हैं, दालचीनी ली है, तीन लौंग ली है, तीन चार ब्लैक पेपर डालेंगे, एक स्टार फूल है और तीन इलायची है। और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी जूस अच्छी तरह से उबलने देंगे हम। देखिए अब ये गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम, यहाँ पे मैंने दो छोटी कटोरी चावल बासमती भिगो के रखे थे आधे घंटे के लिए, अब ये इसमें ऐड कर देंगे हम। अब इस चावल को हम 80% कुक कर लेंगे। देखिए अब ये हमें चाहिए उतने 80% ये कुक हो चुके हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बस इतने ही। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। पानी जितना है इतना ड्रेन कर लेंगे सारा। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रखी है और गैस चालू किया है। इसके अंदर हम एक चम्मच बटर डाल देंगे और आधी चम्मच घी डाल देंगे। अब यहाँ पे बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब ये जीरा तड़क चुका है। यहाँ पे मैंने दो छोटे प्याज लिए हैं जिसे लंबा काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। अब ये ऑनियन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने अदरक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट बनाई है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये पर्पल कैबेज आता है वो मैंने काट लिया है, अब इसे ऐड कर देंगे हम। इसे हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे, क्रंची रहने देंगे, दो मिनट सब मिक्स कर लेंगे। अब यह मसाले में हमने नमक नहीं डाला है तो हम इसमें नमक डाल देते हैं। हमने चावल में ऑलरेडी नमक यूज किया है। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार लाल मिर्च, आधा चम्मच यहाँ गरम मसाला ऐड कर, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम जो चावल कुक करके रखा है ये मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है, ये इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम धनिया डाल देंगे और एक नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि बीट थोड़ा सा मीठा होता है तो ये लेमन जूस बैलेंस कर देगा टेस्ट को। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा बीट कैबेज पुलाव बनके तैयार है। टेस्ट में बहुत ही बढ़िया हुआ है, आप इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरिओम।